अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान ने मचाई तबाही। तूफान में अब तक 19 लोगों की जान चली गई और 20,000 लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। कैलिफोर्निया की हालत कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रविवार को राष्ट्रपति बाइडेन ने वहां पर इमरजेंसी घोषित कर दी है। अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक सोमवार को भी तेज बारिश की आशंका जताई गई है। इससे कैलिफोर्निया की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ेगी। इस भयावह तूफान के पीछे एक रिवर को जिम्मेदार बताया जा रहा है जो कि एटमॉस्फेरिक रिवर के नाम से जाना जाता है, जो कैलिफोर्निया में इस वक्त तूफान ला रही है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में 8 एटमॉस्फेरिक रिवर से कैलिफोर्निया का सामना हो चुका है। सेंटर फॉर वेस्टर्न वेदर एंड वाटर एक्सट्रीम के मुताबिक कैलिफोर्निया में जितनी एटमॉस्फेरिक रिवर पूरे साल में बनती है वो कुछ हफ्तों में ही बन गई। ये कहीं बारिश के रूप में बरस रही है तो कहीं बर्फीला तूफान ला रही है। अभी 2 और एटमॉस्फेरिक रिवर के कैलिफोर्निया में आने की आशंकाएं जाहिर की जा रही है। आप तस्वीरें देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है। इमरजेंसी ऑफिशियल के मुताबिक राज्य से 75,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचने की चेतावनी जारी की गई है। 20,000 से ज्यादा लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। कैलिफोर्निया में कई हाईवे, सड़क और पुल पानी में बहकर तबाह हो गए हैं। कई मकान या तो क्षतिग्रस्त हो गए हैं या बह गए हैं। कैलिफोर्निया में भारी बारिश, तूफान और बाढ़ की वजह से अब तक 2,00,000 करोड़ रुपये $30 बिलियन का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। ब्लूमार्क की रिपोर्ट के मुताबिक तूफान की वजह से कैलिफोर्निया में कई बिजनेस ठप हो गए हैं। नुकसान का यह आंकड़ा अनुमानित है। स्थिति सामान्य होने के बाद वास्तविक नुकसान का आकलन किया जाएगा।